हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम व्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं मोटो व्लॉगिंग के साथ। मैं अभी चला रहा हूँ अपनी हिमालयन, न्यू हिमालयन, आप देख ही पा रहे हैं। तो गाइस, फाइनली मेरा पैर हो गया है ठीक, प्लास्टर उतर गया है पैर में से। अभी डॉक्टर ने एंकल सपोर्ट दिया है, पेन है थोड़ा बहुत बट ठीक है। शॉर्ट ट्रिप्स तो एटलीस्ट कर ही सकता हूँ, लॉन्ग तो नहीं कर पाऊँगा अभी। तो मैंने सोचा आज नंबर प्लेट लगवाई जाए बाइक पे, बहुत ही टाइम से नंबर प्लेट भी पड़ी हुई है उधर ही। तो आज हम जा रहे हैं बाइक पे नंबर प्लेट लगवाने। तो अब आप देखो मोटो व्लॉगिंग, पहले फर्स्ट मोटो व्लॉग है ये मेरा। बताना कैसा लगा आप सबको, साउंड कैसी आ रही है, ठीक आ रही है नहीं आ रही है, तो ये सब बातें बताना आप मुझे कैसा लगा। बाकी आप इंजॉय करो, देखो ऐसे अगर मैं आप लोगों से एक अपनी बात डिस्कस करना चाहूँ, शेयर करना चाहूँ, बाइक ना बहुत स्मूथ है। स्मूथ कैसे है, अभी देखो तीसरे गियर पे है और मैंने डाउन नहीं करा, कोई इशू नहीं है, बाइक स्टॉल नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई और बाइक होती ना स्टॉल हो जाती है, तो इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी है। स्मूथ बाइक है, गियर शिफ्टिंग अच्छी है, इशू नहीं आता है, बढ़िया है ये सब इसमें। तो सडन न्यूट्रल आता है ना, मुझे बार बार पुनीत सुपरस्टार का मीम याद आ जाता है। आई गेस ये वाली जो स्क्रीन है फ्लिकर नहीं हो रही होगी, अगर हो रही होगी तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम इसकी कैमरा की सेटिंग कुछ अलग करेंगे, देखते हैं। देखो भाई क्या स्मूथ चल रही है बाइक, फुल बढ़िया। बाइक गंदी भी हो रही है लेकिन ठीक है, इतनी भी ज़्यादा नहीं हो रही है, कवर में ही रहती है। तो अब मोटो व्लॉग आते रहेंगे, आप लोग देखो बताओ मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा मोटो व्लॉग देखने में। अभी तो बाइक इतनी तेज़ चल ही नहीं सकती, ट्रैफिक इतना है, जल्दी बनाएंगे इसको सब, जितना भी इसका टॉप स्पीड होगा लगाएंगे, देखेंगे कैसी भाग रही है नहीं भाग रही। मैंने बाइक में अभी तक एक चीज़ वैसे फेस करी है, एक इशू मैंने फेस करा है, मैं अगली वीडियोज़ में आपके शेयर करूँगा। एक इशू आ रहा है मुझे बाइक में, बताऊँगा आपको आगे वीडियोज़ में। चलो आपसे मिलते हैं, वहाँ पहुँच के आपको मैं दिखाता हूँ। अगर तुम लोगों को शॉटगन का रिव्यू चाहिए डिटेल में, मैं सिर्फ आके शॉटगन का रिव्यू करूँ प्रॉपर, तो मुझे बताना, तो मैं शॉटगन का एक आपके लिए रिव्यू बनाऊँगा प्रॉपर, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैं रिव्यू दूँगा आपको शॉटगन का, ठीक है। सो फाइनली गाइस हमारी नंबर प्लेट लग चुकी है, मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा कि हमारी क्या है नंबर प्लेट। और अभी मैं बाइक को ना देखो तेज़ नहीं चला सकता हूँ, अभी मैं नहीं चाहता कि इंजन में ज़्यादा लोड आए, तो मैं सिर्फ इसको मैक्सिमम 60 तक लेके जाता हूँ, 60 की स्पीड तक लेके जाता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा हूँ अभी, क्योंकि देखो अभी बाइक का यही टाइम होता है, पहली सर्विस तक थोड़ा बाइक को मतलब 60 तक लेके जाओ, इससे ना इंजन बढ़िया रहता है, फिर बाइक अच्छा दौड़ती है बाद में। अगर मैं इसको अभी से भगाना चालू कर दूँ 120-150 तो वो अभी भागेगी तो बढ़िया, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर मैं दिक्कत देगी लॉन्ग रन के अंदर।
तो यही टाइम होता है यार, प्यार से चलाओ। बाकी देखो क्रेटा जा रही है सामने, क्रेटा भी छोटी लग रही है, बाइक इतनी ऊँची है कि सारी और गाड़ियाँ छोटी छोटी लगती है इसके आगे, तो ये वाली बात है। बाकी फुल बढ़िया मज़ा आता है यार चलाने में इसको। बाकी लॉन्ग राइड में देखेंगे, अब देखो पता ही नहीं चलता है कब 60 के ऊपर निकल जाती है स्पीड का ना इसमें, मतलब नहीं पता चलेगा, इतनी ज़्यादा स्मूथ बाइक है इसको जब खींचता चले जाओ खींचती चली जाती है ये। मेरा बहुत मन करता है इसको कि मैं सो लगाऊं, पर अभी तक लगा ही नहीं है मैंने इसको। सो मैंने इसको शायद मैं इसको 80 लेके जा चुका हूँ, बस इतना ही लेके गया हूँ अभी तक फ़िलहाल। बाकी आप लोग बताना, ये वाला भी मैंने कैमरा अपना ऊपर की तरफ ऐसे करा हुआ है, इससे पहले नीचे था, तो बताना दोनों में से कौन सा बेटर व्यू आ रहा है, और साउंड का भी बताना। और कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन हो इस बाइक से रिलेटेड या फिर कुछ भी बाइक से रिलेटेड तो मुझे बताना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर नहीं ऐसा हो पाएगा कि कमेंट में नहीं, मतलब बड़ा चीज़ है कुछ या कुछ है, तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। बाकी तुम लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो करो, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको मिल जाएगा। प्लस मैं जॉन जोन्स की एसेसरीज़ यूज़ करता हूँ अपने हेलमेट पे, कैमरा एंड एवरीथिंग, वो सब भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ले लो। रिएक्शंस अच्छे हैं भाई, रोड पे लेके जाओ तो रिएक्शंस आ रहे हैं, देख रहे हैं बंदे, बहुत नोटिसेबल है बाइक। यही होता है भाई, ऐसे ही भड़वो के एक्सीडेंट होते हैं। फिर चलो देख लो, पोल्यूशन देख लो कितना कर रही है। क्या ही बोल यार ऐसे बंदों को, मुझे ना अपना गाना गाता हूँ मैं हेलमेट के अंदर बहुत ज़्यादा, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो गाना गाता हूँ, जो आवाज़ें छोड़नी पड़ेगी वरना तुम लोग परेशान हो जाओगे, क्या हमारे कान पकाता रहता गाना गाता रहता पूरा टाइम। रिएक्शंस देख रहे हो भाई तुम, फुल रिएक्शंस मिलते हैं बाइक को, बंदे लिटरली ऐसे देख रहे हैं क्या बताऊं। इसकी ना एक बात बताता हूँ, इसकी ना हैंडलिंग भी स्मूथ है। देखो मैं तो जावा चलाता था और मेरे पास क्लासिक 350 भी है, रॉयल इनफील्ड ऑब्वियसली, जावा है मेरे पास 42 2.1, तो मुझे ना हैंडलिंग में कोई भी इशू नहीं आ रहा बाइक की, एकदम इजी हैंडलिंग है। प्लस मेरी हाइट भी लंबी है यार, M62, तो वो भी एक रीज़न है, कोई इशू नहीं है। शॉर्ट राइडर होगा हाँ उसको बिल्कुल इशू होगा, क्योंकि जब वो लाइक बाइक कहीं पे रुकेगी कुछ होगा
तो डेफिनेटली उसको इशू आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अभी तो मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। पता नहीं क्यों इतनी तेज़ चली जाती है ये बार 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 बार। एक बात बेस्ट है, मैं राइड कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ अपने से नीचा लग रहा है। लिटरली हर चीज़ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नीचा नीचा है। बड़ा मज़ा आ रहा है चीज़ देख के। ऑटो का देखो, ऑटो में ऐसा हो जाऊँगा, ऑटो भी नीचा है मेरे से। ये गाड़ी है तो पता ही नहीं चल रही कौन सी गाड़ी है ये। जो भी गाड़ी है भाई ये बहुत पुरानी है, बीट बीट गाड़ी देखो भाई की, इससे ऊँची है। अलग ही मज़ा भाई, नेक्स्ट लेवल फन। अब जैसे देखो यार रोड ख़राब है, अब कोई और बाइक होते हैं बचा बचा के निकालता। अब इसमें क्या दिक्कत है मुझे, पूरा फुल गड्ढों में दे के निकालूँगा, खर्चा करा क्यों है, कोई इशू ही नहीं है भाई, जेन्युइन। चलो यार अब घर आने वाला है, यहाँ पे एंड करता हूँ मैं, और मैं आपको दिखाता हूँ फिर अपनी बाइक का नंबर। पहुँच गए अपने गराज में, बाल ख़राब हो गए हैं, हेलमेट डाला हुआ था, हेलमेट के अंदर बाल हो जाते थोड़े ख़राब। एनीवे ये रही अपनी बाइक है, पहुँच गया गराज, मैं आपको दिखाता हूँ नंबर तीनों का। तो देखो इसका नंबर है 0888, जावा का नंबर है 8808, एंड ये रही अपनी हिमालयन, इसका भी नंबर है 8808। ये दोनों बाइक्स मैंने खुद ली है, अपने दम पे ली है, ये भी। तो इन दोनों का नंबर 8808 है। इवन मेरे यहाँ पे टैटू भी हुआ होगा, ये देखो अभी आपको 8 ही दिख रहा होगा, घड़ी डाली हुई है इसलिए। तो यहाँ पे भी 008 है बेसिकली यहाँ पे। तो लग गया नंबर अब बाइक पे, अब करेंगे लंबी राइड्स। सारा काम हो गया है, नंबर प्लेट लग गई है बाइक में, अब मैं जा रहा हूँ मूवी देखने। मूवी देखने जा रहे हैं बच्चे, बड़े चालू है ये क्या है? देख ले बच्चे बड़े चालू है, ये मेरी बाइक को भी बड़ा पसंद करते हैं। चलो फिर अब हम जा रहे हैं मूवी देखने, तो देख के आते हैं मूवी। देखो यार मूवी तो बढ़िया है, मैड गाओ मूवी देखने तुम लोग आ सकते हो। बाकी तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरा दोस्त आया हुआ था मूवी देखने बाय चांस की बात है, उसका भी ऑडिट नहीं था, कितना लापरवाह है वो, अपना मैथ से छोड़ गया यहीं पर। लेकिन पीवीआर वाले बढ़िया बंदे हैं, उन्होंने मुझे मैथ से उसका वापस कर दिया। तो देख लो भाई कितना लापरवाह वाला। अगर तुम लोगों ने 24/7 का हॉट डॉग नहीं करा ट्राई तो करना, बहुत सही होता है इसका हॉट डॉग। चलो यार अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।